पॉपीज किचन इन यूके में आप सबका स्वागत है। और मैं आज एक दशहरे के उपलक्ष में एक ऐसी मिठाई दिखाना चाहती हूँ जो झटपट बनने वाली है। अब की बार का दशहरा कुछ दूसरी तरह का हो रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से पूरे विश्व भर में हम लोग जैसे मनाते आ रहे हैं उस तरह से नहीं मना पा रहे हैं। मनाएंगे लेकिन उस तरह से नहीं, ज़्यादातर डिजिटल होगा। पता नहीं, मेरे घर के पीछे रावण को जलाने की जो प्रथा होती थी, हमेशा होती आई है, इस साल होगी भी नहीं, क्योंकि उसमें तो बहुत भीड़ होती है। उसमें हमने देखा है तरह तरह की मिठाइयाँ बिकती हैं, एक बड़ा सा मेला लगता है। तो हम लोग ये दशहरे के रावण जलाने के उपलक्ष में, प्लस इसके अलावा हम लोग जो पंडाल वगैरह में जाते हैं दुर्गा पूजा के या नवरात्रि के उपलक्ष में, हम लोग तरह तरह की अच्छी मिठाइयाँ खाते हैं। और मिठाई के बिना तो भारतीयों का कोई त्यौहार नहीं होता। तो इस त्यौहार में भी अब की बार हम लोग मिस करेंगे, तो मैंने कहा क्यों ना झटपट वाली एक मिठाई आप लोगों को बता दूँ, जो आप डिजिटल फंक्शन देखते हुए अपने टीवी में या लैपटॉप पे उसमें भाग लेते हुए भी उसका आनंद ले सके। और वो मिठाई है खाजा। खाजा काफ़ी सभी भारत के सभी भागों में खाई जाती है, और जगन्नाथ जी को तो बहुत प्यारी है ये। उनके 56 भोगों में से एक भोग में खाजा भी दिया जाता है। तो खाजा ये जो मैं बताऊंगी, ये बहुत ही जल्दी झटपट, सबको मालूम है खाजा बनाने में काफ़ी परिश्रम तो है ही है, खैर, लेकिन उससे भी ज़्यादा समय ज़्यादा लगता है, और जिनके घर में बहुत कम लोग हैं वो उसके काबिल नहीं होता इतना परिश्रम करना। खैर, आपके तो दोस्त वगैरह भी नहीं रहेंगे, तो बहुत इजीली और सरलता से आप बना सकते हैं। बहुत थोड़ी चीज़ों की भी ज़रूरत होगी, तो क्या क्या लगता है ये देखिए। जेकब बटर पप्स ले लीजिए, आपको कहीं भी मिल जाएगा। मैंने ये इंडियन ग्रोसरी शॉप से ख़रीदा है। ये हर जगह ही हमको लगता है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सब जगह ही मिल जाएगा, जो NRI और है, और इसके अलावा भी सब जगह मिल जाएगा, भारत में तो मिलेगा ही। उसके साथ मैंने यहाँ पे लिया है पिस्ता को, मैंने उसको थोड़ा सा चूरा बना लिया है पिस्ते का। मैं घी का भी थोड़ा यूज़ कर रही हूँ, आपको बताऊँगी अभी क्यों और कैसे। और साथ में ये हेल्थी ऑप्शन भी रखा है, ऑलिव ऑयल। इसके अतिरिक्त मैंने एक और चीज़ मैं दिखाऊंगी, वो है शुगर। तो इसकी चाशनी बनानी पड़ी, आप लोगों को मालूम ही होगा खाजा में चाशनी की ज़रूरत होती है। तो मैंने उसमें आधा कप चीनी और आधा कप पानी, ये कोई भी, ये चाशनी कोई भी झमेले वाली नहीं कि एक तार हो दो तार हो, कुछ भी नहीं। जैसे ही वो होगा आप उसको, जैसे ही वो पिघल जाएगा, एक उबाल आए, बस आप उसको बंद कर दीजिए। अच्छा, उसमें एक और चीज़ें भी डाल सकती है जो मैं दिखाऊंगी अभी, ये है सैफ्रन और थोड़ी सी उसमें ये सैफ्रन है, और थोड़ी सी उसमें छोटी इलायची भी जाएगी, छोटी इलायची 4-5, उसको ज़रा क्रश करके डालिए। मैंने 4 डाली है इस चाशनी के लिए, ये बस इसको थोड़ा क्रश करके चाशनी में डाली जाएगी खुशबू के लिए। और ये सैफ्रन अगर आपके पास रियल सैफ्रन हो तो डालिए, और मेरे पास तो ये लिक्विड नकली वाला है, लेकिन मैंने इसको डाला इसके कलर और खुशबू के लिए। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इलायची काफ़ी है। और इसको मैं थोड़ा सा, ये जो पफ पेस्ट्री है इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा शैलो फ्राई करूँगी। शैलो फ्राई करने के लिए तेल
लेकिन मैंने खुशबू के लिए थोड़ा घी भी उसमें मिलाया है। आप प्योर घी में भी बना सकते हैं अगर उसको और क्या कहते हैं फेस्टिवल लाइक बनाना चाहें तो, रिच बनाना चाहें, और दोनों मिला के भी थोड़ा सा डालने से अच्छी सी खुशबू आती है घी की। और वो ऐसे भी ऑलिव ऑयल तो ब्लेंड होता ही है, उसमें कोई महक नहीं होती, तो अच्छा ही है। थोड़ा सा घी, घी नहीं है तो आप घर में थोड़ा सा बटर भी डाल सकते हैं। और उसको मैं अब दिखाऊंगी कैसे मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। ये मेरा यहाँ पे वो गर्म ही है, मैं फिर से इसको, ये देखिए, ये मैं यहाँ तीन ही रख रही हूँ, ये देखिए, ज्यादा कोई कुछ भी नहीं है, देखिए कोई मेहनत ही नहीं है, और नाम के वास्ते होगा, आप किसी को दे कह रहे मैंने बनाया है, उनको क्या पता कि बनाया तो आप ही ने है, क्योंकि ये तो है पफ पेस्ट्री, बनाया तो आपने इसको, खाजा आप ही ने है, लेकिन हाँ झटपट वाली है। इसको वो भी क्या चिरोटे भी कहते हैं महाराष्ट्र में, पूरे भारत में ही खाई जाती है, और भारत के बाहर आजकल हम लोग मिठाई की दुकानों में खाजा खाते हैं। और इसको आप दशहरे में प्रसाद के रूप में भी, नवरात्रि में भी प्रसाद के रूप में भी दे सकते हैं, भगवान का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि पूरा प्योर वो है वेजिटेरियन, तो भोग में भी जा सकता है, प्रसाद में भी जा सकता है, बैठे बैठे आपका नाश्ता भी हो सकता है, खाने के बाद मिठाई का भी काम कर सकता है। और ये छह जनों के आने का जो सिलसिला यहाँ पे यूके में लगा हुआ है, उसमें भी आप आने जाने वाले जो छह जने हैं आपके दोस्त और मित्र, उनको भी सर्व कर सकती हैं। ये हो गया, और इसको मैं अब, ये जो तल दिया है मैंने, इसको मैं चाशनी में डाल रही हूँ। ये है, मैंने चाशनी बना के रखी, चाशनी को गर्म रखिएगा, चाशनी बिल्कुल ठंडी ना हो जाए, हल्का सा गर्म रहे, तभी उस पर अच्छा सा वो अंदर जाएगा, और बहुत देर तक रखने की जरूरत नहीं है, बस उलट उलट दीजिए और ये तैयार। तो हम कह सकते हैं कि पॉपी का खाजा 5 मिनट में तैयार। ये और खा के देखिएगा एकदम, बिल्कुल हम लोग तो बना रहे हैं और खा भी रहे हैं, तो ये बिल्कुल वही, मैं थोड़े में दिखा रही हूँ इसलिए यहाँ पे, क्योंकि मैंने चाशनी का प्रयोग पहले भी कर लिया है। ये हो गया मेरा खाजा, और इसकी ये है सजावट। इस पर मैं, आप चाहें तो काजू का भी वो डाल सकते हैं, जो मर्जी, जैसा भी ड्राई फ्रूट, थोड़ा सा सजाने के लिए ऊपर से एक किशमिश भी डाल सकते हैं, और नट पे जिनको है एलर्जी वो किसी तरह के वो ना डालें, उसमें किशमिश डाल दें, खजूर के थोड़े छोटे पीस करके डाल दें, तिल भी डाल सकते हैं। ये हो गया मेरा, अब मैं दिखाती हूँ आपको ये कैसा देखने में लगेगा। ये देखिए, आप किसी के भी सामने ले जाएं, वो जरूर हाथ बढ़ाएगा उसको खाने के लिए बिना खाए, और आराम से शाम की चाय के लिए देखते देखते, जूम में अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम, दशहरा देख रहे हैं और रावण को जलाने की भी देख रहे हैं दशहरे के दिन, तो आराम से खाइए और सोचिए कि आप स्टॉल से ही खा रहे हैं, किसी भी टाइम ये खा सकते हैं। ये यहीं पे मैं आज समाप्त करती हूँ अपने विचार, और अब सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक दीजिए और अपने विचार प्रकट करिए कि और क्या करने से ये और अच्छा हो सकता है। नमस्कार।